हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के शोन आप सभी के लिए काफी जबरदस्त एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आया हूं और ये जो एप्लीकेशन आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आ जाने वाली है और इस एप्लीकेशन को आप सभी अपने फोन में डाउनलोड करके जरूर से ट्राई करिएगा अगर दोस्तों आपको अपने फोन में मल्टीटास्किंग करना पसंद है। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में काफी आसानी से मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, यानी दोस्तों किसी एक एप्लीकेशन में होकर किसी दूसरी एप्लीकेशन को काफी आसानी से यूज कर पाएंगे और आपको पहली वाली एप्लीकेशन को भी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही दोस्तों यहां पर आपको मेन्यू में जाके बार बार किसी एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों काफी कमाल की एप्लीकेशन है, इसे यूज करने में काफी ज्यादा मजा आता है और इस प्रकार की एप्लीकेशन आपने पूरे YouTube पे नहीं देखी होगी। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी एप्लीकेशन है, कहां से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि यहां पर आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे उनको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन नजर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में आपको घंटी का आइकन नजर आएगा तो उसे आप दबा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही दोस्तों आप ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पर इस तरह की जितनी भी वीडियोज आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप सभी को जाना नीचे और नीचे जाने को दोस्तों यहां पर आप सभी को एक छोटा सा कमेंट कर देना है। तो यहां पर दोस्तों आप सभी को लिख देना new9, ठीक है? तो यहां पर आप new9 लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इसे सेंड कर देना है और जैसे ही दोस्तों आप इसे सेंड करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देता हूं ये कौन सी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप एक क्लिक में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर दोस्तों मैंने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो प्ले स्टोर है ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर मुझे मान के चलिए प्ले स्टोर के अलावा किसी और एप्लीकेशन को यूज करना होगा तो यहां पर दोस्तों मुझे अपना प्ले स्टोर बंद करना होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को मैजिक दिखाना चाहूंगा, जैसे दोस्तों मैं स्लाइड करूंगा तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाता है और यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं मैं जो भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहूं काफी आसानी से उसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं वही एप्लीकेशन हमारे सामने काफी आसानी से ओपन हो गई और यहां पर दोस्तों मुझे अपनी किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी के अलावा दोस्तों यहां पर मुझे कोई और एप्लीकेशन को यूज करना होगा तो यहां पर दोस्तों मैं स्लाइड करूंगा और यहां से दोस्तों मैं किसी और एप्लीकेशन को भी काफी आसानी से यूज कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कौन सी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को अपने फोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली इस एप्लीकेशन को आप सभी को अपने फोन में ओपन कर लेना है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले आप सभी को इसे एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप चाहो तो इसकी थीम वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो, पर दोस्तों आपके सामने कई सारे थीम आ जाते हैं तो यहां से दोस्तों आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। आप चाहो तो दोस्तों आप इसकी थीम को कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये ग्रीन कलर का है तो यहां पर आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर मैं रेड कलर इसे कर देता हूं और यहां पर दोस्तों आप देखेंगे ये रेड कलर का हो जाएगा जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रिगर का, ठीक है? तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहां पर दोस्तों आपको ट्रिगर टाइप के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपको आइकन वाला जो ऑप्शन है इसको आपको चूज कर लेना है, ठीक है? बस इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद दोस्तों जब भी इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये जो एप्लीकेशन है आपके फोन में ओपन हो जाएगी जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको छोटी सी एप्लीकेशन प्लस वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।